लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा ने अब संगठन के पेच कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत पार्टी कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है, खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। इन दो ही राज्यों से लोकसभा की 128 सीटें आती हैं। यूपी में 80 सीटें हैं और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र जो 48 सांसद दिल्ली भेजता है। यूपी में भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत मानकर चल रही है। इसके बाद भी उसने 9 सीटों पर फोकस करने का फैसला किया है, जहां पहले वह जीत नहीं सकी थी। हालांकि पार्टी को ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर है। इसकी वजह यह है कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना एक साथ है। इन तीनों के मिल जाने से एक जनाधार तो बनता ही है, सामाजिक समीकरण भी ऐसा तैयार होता है जो भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाला है। एकनाथ शिंदे गुट से उम्मीद है, पर इससे भी पेच यह है कि भाजपा कितनी सीटों पर खुद चुनाव लड़ती है और कहां कहां एकनाथ शिंदे गुट को मौका देती है।